घर गया ना, अम्मी को बोलूंगा मेरी शादी करा दो, कम से कम कपड़े तो धुले हुए मिलेंगे। कौन करेगा आपसे शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? क्यों, मैं कोई मर्द नहीं हूँ। मेरे ठिकने कद पे मत जाओ, अंदर से पूरा हूँ। आपकी अम्मी को क्या फायदा होगा आपकी शादी कराकर? अम्मी को कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन मांजने पड़ते हैं और घरेलू काम करने पड़ते हैं। उसकी इन कामों से तो जान छूटेगी। बोलना यार, अम्मी मान जाएगी? मुझे क्या पता मानेगी नहीं मानेगी। मैं तो फेल भाई के वलीमे में गया था ना, तो फेल भाई कहते हैं मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने ऐसे ऐसे घूंघट उठाया था। ज्यादा ड्रामे नहीं कर, कपड़े दो। पता है कितना खर्चा आता है शादी में? शादी शादी लगाया हुआ है, कौन देगा आपको खर्चा? पैसे? हाँ बात सुन, हमारे मोहल्ले की गली गली में जो लूसी कुत्ते घूमते हैं ना, उनको एक कंटेनर में बंद करके चाइना को भेज देंगे। पता है कितने पैसे मिलते हैं? फी कुत्ता 1,000 रुपए, यानी 100 कुत्ते 1,00,000 रुपए। क्या ख्याल है भाई? तोबा तोबा, कहाँ से आते आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज? मुझे अंकल बस्साम ने कहा था ना, जल्दी मौलवी बन जा, लोग दाढ़ी टोपी का लिहाज करके रिश्ता दे देंगे। मैंने भी कहीं पढ़ा था, अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। अगर अल्लाह ताला आपको तवील कद और डोल शोल जैसा जिस्म देते तो चार चार शादियां हो जाती भाई, मजे। अबे यार, आप यहाँ बैठे हो? वैसे भी दूल्हे के कितने मजे होते हैं, नए कपड़े, नए जूती, नई शेरवानी, फिर उसको लोग हार पहनाते हैं, फुल प्रोटोकॉल होता है बाबू। हाँ, और 1 महीने बाद कोई पूछता भी नहीं है। जब खर्चे बढ़ जाते तो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। शादी न करना यारो, तुमको बता रहा हूँ, आफत गले लगी है, इसको निभा रहा हूँ। टंग 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 टंग, वो काम अल्लाह ताला का है। जब बच्चे होते हैं तो पिंपर्स और दूर का इंतजाम अल्लाह कर ही देता है, लेकिन दूल्हे के जो दखरे होते हैं ना, वो देखने लायक होते हैं। यार दिमाग नहीं का, चुप हो जा, अभी जाके मैं तेरी सास को शिकायत। अबे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, आप इतनी जल्दी नाराज हो गए, खामखा में मेरी शिकायत लगा दी। वैसे मुझे निकाह वाला खुतबा भी याद है, मैं अपना निकाह खुद पढ़ाऊंगा, मुझे मौलवी की जरूरत नहीं है। लेकिन अपना निकाह खुद कबूल कैसे करवाऊंगा? बताऊं कैसे कबूल होता है? अगर मेरे को यहाँ पे कोई लाठी मिल जाए ना, तो आपके सर में मार के शादी का घनास निकाल दूं। तभी तो कहते हैं बच्चों को शादी पर ही लेकर जाना चाहिए। इधर आ, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। मेरी शादी में लड्डू के डब्बे, छुआरे, जलेबियाँ, कमाल है यार। ऐसा लगता है एक ही दिन में इज्जत, दौलत, शोहरत और जन्नत वाले मजे मिल जाते हैं भाई। मुझे बता, मैं कहाँ जाकर मरूँ, कहाँ डूबूँ, और मैं आपकी शादी की बकवास में